हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 6:15 और हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी देर में मंदिर। तो सार्थक को लेने गए हैं पतिदेव ट्यूशन से, ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है सार्थक। और तो बोल रहे थे कि उसको अपना घर छोड़ देंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। वैसे तो सभी बच्चे वगैरह जाते ही हैं और मैंने इधर कर लिया खाने की तैयारी और ऐसा बनाई है मैंने लौकी की सब्जी। और ये मम्मी गई थी अभी किसी प्रोग्राम में, तो वहाँ से आई हैं पूड़ी सब्जी, आलू की सब्जी है, इसमें है हलवा है, शायद ये हलवा दिख रहा है। तो बच्चे अब बच्चे देख लेंगे ना, तो अब यही खाएंगे बच्चों को। तो अगर पूड़ी सब्जी दिख जाए, मतलब वो भंडारे वाली, तो बहुत पसंद है उनको। शगुन को और सार्थक को दोनों को ही पसंद है, तो वो तो यही खाएंगे। और हम लोग चलो वो भी थोड़ी हम भी टेस्ट कर लेंगे। और लौकी की सब्जी तो बनाई है, तो शगुन जा नहीं रहा है क्योंकि शगुन का है कल एग्ज़ाम। तो वो मना कर रहा था कि मम्मा मैं तो जा नहीं रहा, आप लोग चले जाओ। और फिर तो जब शगुन नहीं जाएगा तो शगुन की दादी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि दो स्कूटी से जाते थे हम लोग, तो शगुन दादी को बिठा लेता था, मैं और पतिदेव और सार्थक एक साथ बैठ जाते थे। तो मना कर रहा शगुन, तो कोई नहीं, तो उसका एग्ज़ाम है कल, तो शायद सार्थक अगर उसका मन होगा तो वो चला जाएगा। देखते हैं, लेने गए हैं उसे, फिर अपना निकलेंगे। तो ये खाने की तैयारी मैं इसलिए कर जाती हूँ, अपना पहले से सब्जी बनी होती है ना, तो वहाँ से आते हैं तो फटाफट अपना आके रोटी वगैरह सेक दो। तो मैंने आटा वगैरह तो नहीं लगाया अभी, बस सब्जी वब्जी बना दी है, आके फटाफट से आटा लगा के रोटी सेक दूँगी। साथ शगुन अपना पढ़ रहा है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, पढ़ने लग रहा है। तो पति देव सब ले के आ जाए सार्थक को, फिर उसके बाद निकलेंगे अपना। हमने आरती वगैरह कर ली है अपना घर की मंदिर में, और उसके बाद अपना जोत वगैरह जला के उसके बाद जाते हैं अपना सब काम से फ्री होके। यहाँ पे लग गई कैसे? जब मैं खेल कर रहा था, अच्छा टी शर्ट से धूप बढ़ गया होगा। अच्छा, ज्यादा तो लगी नहीं, ठीक लग रहा। अब हम जा रहे हैं मंदिर, चलो भी लगी है तो पानी पीना है। तो चलोगे आप मंदिर? चलोगे? ठीक है, दादी जा रही है, लेकिन दादी नहीं जा रही है। नहीं, नहीं। हाँ दादी, मुझे पता था कि जब दादी जाएंगी तो ये जाएगा, और दादी नहीं जाएंगी तो ये भी नहीं जाएगा। चल जी, आप भी नहीं जा रहे फिर, मुझे पता था मुझे क्या अगर दादी जाएंगे तो ये भी नहीं जाएगा, दादी के साथ है इसका। फिर चला जाऊंगा, दादी चले जाओ। हाँ जा रहे हैं, बस मेरे साथ में जा रहा। तो बस दोस्तों निकल रहे हैं हम लोग, चलिए सार्थक तो कह रहा दादी नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रहा।
तो दोस्तों आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके और पतिदेव आते ही देखिए मिठाई पे प्रसाद है। प्रसाद है। आते ही लग गए हैं प्रसाद पे, मीठा मिल गया है इस बहाने से, मीठा खाने को प्रसाद के बहाने से है ना सर तक। ये क्या कर रहा था टंग को? क्या खाया था? सारी मिठाई खत्म कर दी। अच्छा भाई, सारी मिठाई के शौकीन है और क्या है। यहाँ खाया जा रहा है भंडारा, जो भंडारा मम्मी लेके आई थी मैंने बताया था, तो पतिदेव भी बोल रहे हैं कि मैं भी खाऊंगा वही भंडारे की सब्जी पूड़ी। और इधर ये बच्चे बच्चे अपना बच्चे भी खा रहे हैं। मजा आ गया। पूड़ी 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 सब्जी सब्जी आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी। कद्दू है क्या? ये आलू है और गोभी है। तो भंडारे की सब्जी, तो आलू की सब्जी पूड़ी तो ही इतनी मस्त लगती है। सार्थक कैसी? मस्त। शैगी टेस्टी है जी। आ गया हूँ। हलवा आया है ही, थोड़ा सा है हलवा। प्रसाद ले लेना, प्रसाद थोड़ा थोड़ा सा सब लोग खा नहीं रही है। मम्मी कह रही मैं तो खा के आई हूँ, अब नहीं खा रही। पूड़ी हैवी हो जाती है ना थोड़ा। पापा भी नहीं खा रहे हैं, दोनों अपना खा के आए हैं तो अपना लेके आए हैं साथ में। तो दोस्तों सबने खा लिया है खाना, मतलब वही भंडारे की सब्जी पूड़ी खाई है। और इधर जो मैंने बनाई थी सब्जी ये बच गई है, किसी ने भी नहीं हाथ लगाई। तो अब ये कल तो हम लोगों का सबका फास्ट है, अब ये बची है सारी। अब देखते हैं क्या करते हैं इसका। मुझे बता था जैसे मम्मी जब मेरी सब्जी बन गई थी उसके बाद मम्मी पापा आए थे, क्योंकि मम्मी पापा तो चले गए थे सुबह, ऐसे दोपहर को गए थे 1 बजे करीब, तो आए थे जब तक मेरी सब्जी बन चुकी थी। अगर पहले आ गए होते तो मैं सब्जी ना बनाती, क्योंकि किसी ने भी नहीं हाथ लगाया, देखी ही नहीं। हाथ लगाने तो दूर की बात है, देखी ही नहीं किसी ने। तो बस वही सब्जी खा ली, दोनों सब्जियां पूड़ी खा ली, तो रोटी भी नहीं बनानी पड़ी मुझे। तो बोल रहे कि ना बस थोड़ी थोड़ी दो दो तीन तीन पूड़ियाँ खा ली, इतना हो गया। तो वैसे भी बस ये दूध गर्म करना रह गया था, एक तो कर गई थी, अब थोड़ा सा रह गया ही, इसे करके अपना चलते हैं फिर। तो दोस्तों कल है अष्टमी और सबका व्रत है हमारे घर में। कुछ लोगों के यहाँ सप्तमी भी होती है, यहाँ पे कुछ ही घर है जहाँ पर सप्तमी हुई है, नहीं तो हमारे इधर कॉलोनी में तो पूरे सभी अष्टमी का व्रत ही सब रखते हैं। तो कल रखेंगे सब व्रत। और सार्थक का तो स्कूल है, सार्थक कह रहा मम्मा मैं रखूँगा कि नहीं रखूँगा, स्कूल जाना है। तो हमने कहा रख लेना, क्योंकि अपने ये है कि व्रत का कुछ रख दूँगी उसको नाश्ते में, तो वो रख लेगा और फिर आके अपना कर लेगा जो भी थोड़ा बहुत, तो उसका फला रख दूँगी। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जय माता दी।